हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने खोखाधारकों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों में स्थानांतरित किए जाने के प्रशासन व सरकार के फैसले पर सहमति जताने के लिए संतोष व्यक्त किया तथा जमकर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि खोखाधारकों का ये फैसला राजनीति से उठकर है तथा इसकी सराहना होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि व्यवसाय और रोजगार के मुद्दे को लेकर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए तथा जो लोग इस प्रकार के कार्यों में सम्मिलित हैं वह उनकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि खोखाधारकों का ये फैसला हमीरपुर के विकास में तेजी लाने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पिछले कई दिनों से जो बस स्टैंड के पास हमारे खोखा के जो मालिक थे, बड़े प्रयास करने के बाद वहां से शिफ्ट करने की बात हो रही थी और बड़ी खुशी की बात है कि आज सभी खोखाधारी जो पीछे कई सालों से वहां भी पक्के बिल्डिंग में खोखे बने वहां जाने को तैयार हो गए हैं। प्रशासन का और मीडिया के यही एफर्ट्स थे हमारे, क्योंकि जो कई दिनों से वहां अपनी रोजी रोटी का काम करते हैं खोखाधार, उनकी लाइवलीहुड पर कोई फर्क ना पड़े, उनको ठीक ढंग से वहां पर बसाया जाए, उनका जीवन यापन ठीक ढंग से चले और शहर का विकास भी ना रुके। आज मैं बधाई देना चाहूंगा सभी खोखाधारकों को कि उन्होंने हमारी बात मान ली, इससे उनका भी काम हो गया और जो हमारा एक मिशन है कि विकास के कार्य शहर में जो रुके पड़े वो पूरे हों, उसको भी हमें गति मिली है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने खोखा मालिक हैं उनको सही ढंग से वहाँ पर बसाया जाएगा। ऑलरेडी वहाँ पर खोखे बने हुए हैं, वो वहाँ पर अपना जीवन यापन करें। कुछ जो विकास में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, इन बेचारे खोखा मालिकों के ऊपर राजनीति खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो इनसे गुमराह नहीं हुए और चाहे थोड़ी देर से आए लेकिन अपने सही लाइन पर वो आ गए हैं। और मेरा फिर आप सभी से यही निवेदन है कि शहर के विकास के लिए और किसी के जीवन यापन के लिए राजनीति कोई ना खेले तो बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छी बात हुई है कि इन चीज़ों से ऊपर उठकर आज सही रास्ते पर शहर का विकास भी हो रहा है और खोखाधारकों को अपनी जगह भी मिल गई है।